ताला के फजल करम और शुक्र से आज हम अमन के बगैर पिज़्ज़ा बना रहे हैं। जो हम चूल्हे पे पिज़्ज़ा बनाएंगे, ये मैंने 2 कप आटा लिया है, ये पिज़्ज़े की डो तैयार कर रहे हैं। ये मैंने 2 कप आटा लिया है, अब इसमें ये खमीर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हसबे ज़रूरत देंगे, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच दही, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, 이렇게 अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये डो अच्छी तरह फूल जाए, इसलिए ये चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसी तरह मिक्स करना है क्योंकि इसमें ऑयल और दही है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने गर्म करके रखा है 1 कप, जिसके साथ इसकी डो गूंद लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। पानी मैंने गर्म करके रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 रोज़ है, तीसरा अशरा भी शुरू हो गया है। आज 23वें रोज़े की ताक रात है, इबादत की रात है। अल्लाह ताला सबको इबादत करने की तौफीक दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आटा मेरा तैयार हो गया है, अब इसे 2 घंटे के लिए बंद करके रख देंगे कमरे में, कि अच्छा सा खमीर हो जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इसके ऊपर अब ढक्कन दे देंगे, 2 घंटे के लिए इसे कमरे में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं। ये मैंने टमाटो केचप लिया है, अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये गरम मसाला काली मेरे ये इसलिए घर में तैयार कर रहे हैं क्योंकि कोई मर्ज़ ज़्यादा कम खाते हैं और कोई कम खाते हैं। हम थोड़ी कम खाते हैं, इसीलिए ये घर में पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर रहे हैं। थोड़ी सी दगड़ा दगड़ा मेरे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ची मसाला, सुरख मिर्च का पाउडर, नमक।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये नमक, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पिज़्ज़ा के लिए ये चिकन फ्राई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह फ्राई हो गया है। इसमें थोड़े से मसाले डाले हैं क्योंकि कलर थोड़ा सा बनाना था, कलर अच्छा सा आ जाए। पाँच मिनट से फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि ये अच्छी तरह गल जाए। पानी डाल के इसे रख देंगे कि अच्छी तरह ये गल जाए। ये इसे हसबे ज़रूरत पानी डाला है क्योंकि चिकन तो वैसे ही फ्राई करने से भी गल जाता है, ऐसे हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है कि थोड़ा सा ज़्यादा गल जाए ताकि अच्छा और क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चिकन हमारा तैयार हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जूसी तैयार हुआ है। अब इसे थोड़ी देर हिलाएंगे और इसके बाद उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा डस्टिंग करेंगे। ये अब इसको आटे को हाथ की मदद से फैला लेंगे। ये कांटे से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पिज़्ज़ा अंदर से अच्छी तरह तैयार हो जाए और अच्छी तरह पक जाए। अब इसके ऊपर सॉस लगा देंगे। सॉस मैंने लगा लिया है। अब इसके ऊपर चीज डालेंगे। अच्छे तरीके से चीज डालेंगे। अब इसके ऊपर चिकन रखेंगे। अब इसके ऊपर शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर इसके ऊपर रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें रख दी हैं, प्याज शिमला मिर्च और टमाटर। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डालेंगे। पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया है। इसके ऊपर पतीला रख दिया है
और पतीले को थोड़ा गर्म होने देंगे और इसके अंदर ये कटोरा रख देंगे, इसके ऊपर पिज्जे वाली ट्रे रख देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब इसको अंदर रख देंगे।